गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर ही चल रहा है उसमें एक्सरसाइज बहुत सारा है। इस रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.4 तक है। आज का क्लास है एक्सरसाइज 1.4 और आज का टॉपिक है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रकार। इनको समझने के लिए जब भी रियल नंबर का क्लास चलेगा उनके बारे में हर चैप्टर में बताना पड़ेगा, हर एक्सरसाइज में बताना जरूरी है। आइए, पिछले क्लास में भी हमने इस डायग्राम को बताया था और आज कुछ उससे आगे जो पहले 9th क्लास में भी बताया था उनके बारे में कुछ रियल नंबर के बारे में बताया, जबकि दोनों डायग्राम सेम है। तो पिछले क्लास में हमने लिखाया था कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं संख्याओं के रूप में किस तरह इसको दर्शाते हैं। इसमें हमने लिखा था कि दशमलव वाली संख्याएं और दूसरा था बिना दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याओं में यह तीन तरह की दशमलव वाली संख्याओं का हमने दर्शाया। पहला वाला देख रहे हैं कि 1.12 यानी दशमलव के बाद अंकों की समाप्ति हो जाती है जिसे शांत कहते हैं, अर्थात टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार आ रहा है, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरा क्या है कि न तो यह अशांत है न इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद न कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और न समाप्ति होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होता है? अशांत, अनावर्ती, आवर्ती नहीं अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा क्या कि शांत और अशांत ये दोनों संख्याएं जो दशमलव वाली, ये सभी संख्याओं को हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जब p बाय क्यू के रूप में लिखेंगे यह परिमेय संख्या होगा। और ये जो तीसरी वाली है अशांत अनावर्ती, इसे हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ऐसी संख्याओं को हम क्या को कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इधर तो हम बता ही थे पूर्णांक के बारे में, बिना दशमलव वाली संख्या जितना है सब पूर्णांक है, पूर्णांक के तहत इसमें पूर्ण संख्या आ जाता है फिर प्राकृत संख्या आ जाता है। सेम इसी चीज को पहले भी हमने ये बताया, पहले हमने वास्तविक संख्याओं का परिभाषा कैसे बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पहले हमने इस तरह बताया था जो नीचे आपको डायग्राम बनाया गया है, ऐसी चीज को हमने दूसरे तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं जो टॉपिक था आपका कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो आइए, जितने भी परिमेय संख्या हैं जो इस डायग्राम में भी हमने देखा कि यहाँ जो परिमेय संख्या है इनको दो तरह से दर्शाते हैं, दशमलव के तरह, दशमलव में। अगर परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में हम ज्ञात करें तो यहाँ दो तरह हमने दर्शाया है, एक को हमने क्या कहा शांत, दूसरे को हमने क्या कहा अशांत आवर्ती। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी परिमेय संख्या अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार या तो शांत, शांत का ही दूसरा नाम है अवशानी, या तो अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का दूसरा नाम है अनवशानी आवर्ती होता है। ठीक है, अब जो है यहां पर ऐसे जनरली शांत दशमलव के बारे में भी बता दिया, इसकी परिभाषा को भी हमने लिख दिया, अशांत आवर्ती परिभाषा को भी हमने लिख दिया जो पढ़ के मैं सुना रहा हूं कि अंकों के बाद समाप्त होने वाले दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं, जैसे आपको इंडिकेट किया गया। फिर इसके बाद अशांत आवर्ती के बारे में हमने लिखा, निरंतर जारी रहने वाला दशमलव प्रसार जिसमें किसी अंक या अंकों की समूह की पुनरावृत्ति होती है, अशांत दशमलव कहलाता है, जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला विधि क्या है? विभाजन प्रक्रिया द्वारा, और दूसरा क्या है? बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा, अर्थात परिमेय संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। इसके द्वारा हम बड़ी आसानी से इसके दशमलव प्रसार को हम ज्ञात कर सकते हैं। जो है हमने लिखा था विभाजन प्रक्रिया द्वारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो विभाजन प्रक्रिया द्वारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार
बहुत आसान है, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देते हैं, और जब यह दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है, और यदि दशमलव के बाद वह पूरा पूरा नहीं करता, अर्थात कुछ संख्या की पुनरावृत्ति होती है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। आइए एग्जाम्पल के को लेकर के हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग कहते हैं 21/5 अर्थात 21/5 हम लोगों ने लिया, तो ये इसका दशमलव प्रसार करते हैं, साइड में लेकर के 5 से भाला देते हैं, 5 × 20 वन आया, 0.05 × 10 आ गया 4.2। यहाँ पर हमने क्या किया, 21 में 5 से भागा दिया, आ जाता आपका कितना 4.2, यानी दशमलव के बाद ये पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। तो इस तरह दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4/3। आइए इस पर नजर देखें, 4 × 3 से भागा देते हैं, 1.0 तीन बार आएगा 9 हो जाएगा, 1 फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 बार 9 फिर 1 0 फिर 3। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 4 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 1.33 कहने का मतलब यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 3 बार बार आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.33। तो इस तरह का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहलाता है, अशांत आवृत्ति। तो बड़ी आसानी से आप लोग विभाजन प्रक्रिया द्वारा समझ गए होंगे कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा अर्थात परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करना। आइए हम लोग इसको लेते हैं बाद में। अब सेकेंड वाला था क्या, बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा अर्थात परिमेय संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड द्वारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आइए इनको देखते हैं कि बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इनके लिए हम लोग कुछ थ्योरम का यूज करते हैं। कुछ थ्योरम है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर अर्थात क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2^n × 5^n के रूप का होगा, जहां जहां n तथा m ऋणेत्तर पूर्णांक है। उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और जिस परिमेय संख्या के हर का अर्थात q is not equal to 2^n × 5^m, मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2^n × 5^m के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, जहां n तथा m ऋणेत्तर, ऋणेत्तर का मतलब होता है ऋण के उत्तर अर्थात धनात्मक, पूर्णांक है। तो उस परिमेय संख्या
उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पोषण। आइए हम लोग एग्जांपल लेके देखें। यहां तो क्लियर कर दिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब बिना भाग दिए हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा। तो इसके लिए हमने देखा क्या कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2^n-5^n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड अर्थात क्यू का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2^n-5^n के रूप का नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने 4/5 लिखा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा क्या कि 4/5 = क्या हो जाता है, देखिए तो इसको पहले हम दशमलव फॉर्म में लिख देते हैं, इसके बाद इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नहीं तो इसे क्लियर करें, चलिए पहले हम लोग भाग विधि द्वारा हम लोगों ने इनको क्लियर किया था। 8/5 = 40 अर्थात इसको हमने लिखा था 0.8। तो आइए ये जो हमने थ्योरम लिखा इनके द्वारा इनको कैसे क्लियर करें। यहाँ तो भाग दे करके हमने किया, लेकिन यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 × 2^0 इसको हम लिख सकते हैं। चाहे किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 हो इसका मान 1 के बराबर होता है, अर्थात जैसे 2^0 = 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 से गुणा करें तो यही आ जाएगा, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2^0 × 5। यहाँ देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड हमने क्या लिखा था, अगर 2^n × 5^m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो बिल्कुल यहाँ हमने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे हम भाग विधि द्वारा हमने यहाँ क्लियर किया, बिल्कुल यह शांत हो रहा है। यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2^n × 5^m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ये तो शांत के बारे में हमने देखा कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2^n × 5^m का रूप का होगा तो निश्चित रूप से उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, जो हमने यहाँ पर क्लियर भी किया है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल जो कि इसमें हमने लिखा था अशांत के बारे में कि जो 2^n × 5^m के रूप का नहीं होगा, सही। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लें, एग्जाम्पल हम लोग दूसरा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग 37/150, ठीक है। तो आइए अगर इस तरह बना लें तो पहले इसको थोड़ा भाग विधि द्वारा हम लोग क्लियर कर लें। 150 पॉइंट आएगा 0, इसमें 2 × 0.0, इसके बाद लगेगा 64 001 फिर 0 90 फिर 0 फिर 6। तो यहाँ इसका हो जाता है दशमलव प्रसार 0.2466, इस तरह आते जाए। लेकिन इसके द्वारा हम लोग इसको आइए दर्शाते हैं। हम लोग यहाँ आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, हर का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा ये हो जाता है आपका क्या, इजिकल टू 150 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 3/5 क्या हो गया, 2 × 3 × 5 × 5 फिजिकल टू 37/2 × 3 ×
फाइव स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि हर का आभाज गुणनखंड 2 to the power n इंटू 5 to the power m के अलावा यहाँ 3 भी है। अगर ऐसी स्थिति हो, कहने का मतलब 2 to the power n और 5 to the power m के रूप के अलावा अन्य कोई आभाज गुणनखंड हो जाता है, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए। तो अब जो है इससे संबंधित आपका एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो हमने थोड़ा सा और कुछ में बताना कुछ बताना हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो 0.8 लिखा और यहाँ पर हमने जो लिखा 0.2466, यह आपको प्रूफ करने के लिए लिखा है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन यह रहे कि बिना भाग प्रक्रिया दिए, मतलब बिना भाग दिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो, तो यह हमको नहीं लिखना, यह दर्शाना नहीं है, यह दर्शाना नहीं है, बस इसके बाद ये दर्शाना इस तरह ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ये दर्शाना नहीं है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो थैंक यू। तो इस तरह आपका ये टॉपिक क्लियर, और इससे संबंधित जो है आप किसी सीना में बहुत सारा हिसाब है, इसको क्लियर आप कर सकते हो। मतलब अगर इसको ज़्यादा बहुत अच्छा तरह से अगर अध्ययन करोगे, बड़ी आसानी से इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपका NCERT हो या KCC नाम में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको बड़ी आसानी से आप रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, अंत में इसको क्या कहते हैं, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे कि हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं फिर इसका नेक्स्ट क्लास में।